आप देख रहे हैं एनटीवी टाइम। सैयद तुराबू लाख रहे उर्स प्रशिक्षण के संदर्भ से शुरू हुए पूरे भारत से पब्लिक का परभणी में आगमन। तुरत पीर बाबा के नाम से महाराष्ट्र में मशहूर दरगाह का 113वां उर्स प्रशासन के सदर से हुई शुरुआत। पिछले 112 सालों से चलने वाला ये उर्स को महाराष्ट्र के सभी समाज के लोग इस मेले में आते हैं। इस मेले में महिला वर्ग के लिए एक अलग से मीना बाजार बनाया जाता है, जिसमें सभी उपयोगी वस्तु की दुकानें लगी रहती हैं। दिल्ली का मशहूर हलवा पराठा, इमरती जूस, भोजन और अन्य प्रकार के खाने की भी होटल लगती है। इस मेले में एक जू पार्क जैसे झूले लगते हैं, जिससे झूले में पूरे परभणी के दर्शन होते हैं। मोट का कुआ, ड्रैगन शिप, ड्रोन ट्रेन और अन्य प्रकार के झूलों का समावेश है। शहर के सभी दफ्तर एवं सभी समाज की ओर से संदल निकाला जाता है। दरगाह परिसर में भक्तों के लिए प्रसाद की दुकान बड़ी संख्या में लग चुकी है। 12 दिन चलने वाले इस उर्स में सुरक्षा हेतु पुलिस प्रशासन की ओर से 32 CCTV कैमरे लगाए गए हैं। एक मुख्य पुलिस चौकी और तगड़ा बंदोबस्त भी लगाया गया है, जिससे 112 साल चल रहा ये मेला कुछ ऊंच नीच ना हो। छोटे बच्चे कंपनी के लिए भी यहाँ से बहुत खेल इस मेले में दाखिल हो चुके हैं। रात के वक्त इस मेले को कवर किया हमारे NTV समाचार के परभणी रिपोर्टर नजीब सिद्दीकी ने। बाबा तुराबुलक दरगाह उर्स दरमियान नागरिकों की सुरक्षा के लिए पूरे एरिया में टोटल 32 कैमरा CCTV के और दरगाह के अंदर 2 कैमरा ऐसे अभी चालू कर दिए गए हैं, जिसके जरिए अपन पॉकेट मार या कोई माल वगैरह नुकसान होना नहीं चाहिए, किसी का चोरी होना नहीं चाहिए, इससे इसकी नज़र रखना चालू है। और ये सब पूरा जनता की सुरक्षा के लिए लगाया गया है। माननीय पुलिस अधीक्षक साहब, अपर पुलिस अधीक्षक मैडम और SDPO साहब, इनके मार्गदर्शन में ये सब जारी है और बंदोबस्त 480 लोगों का लगाया गया है।